भक्ति भाव से परिपूर्ण चैनल कर्म योनि में आप सभी का फिर से स्वागत है। यदि आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या कोई चिंता सता रही है तो आप ज्योतिष की मदद ले सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कई समस्याओं का समाधान बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में पूजा पाठ से लेकर कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जो आपको हर कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति देते हैं। इन उपायों को करते समय कार्य में सफलता हासिल होती है। ज्योतिष में माँ काली की आराधना से जुड़े कुछ उपायों को बेहद लाभकारी बताया गया है। काली माता को बुराई का विनाश करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली माता को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका उनकी प्रतिमा की पूजा करना माना जाता है। इसके अलावा कुछ उपायों को करके आप काली माता को प्रसन्न कर सकते हैं और तमाम तरह की परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं कि काली माता से जुड़े उपायों के बारे में। माँ काली से जुड़े ये उपाय खोल देंगे सारे तरक्की के रास्ते। पहला उपाय, यदि आप या आपका परिवार का कोई सदस्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो शुक्रवार के दिन माता काली के चरणों में श्वेत अबीर अर्पित करें। मान्यता है कि माँ काली की कृपा से इससे सेहत में जल्दी सुधार होता है। दूसरा उपाय है ज्योतिष के अनुसार कि किसी भी मंगलवार के दिन माँ काली को प्रसन्न करने के लिए काली माता के मंदिर में जाकर सभी तरह की बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए 3 माला माता के बीज मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रीम 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 हलीम ह्रीम खम स्फोटय क्रीम 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 फट। तीसरा उपाय है जो कि मंगलवार के दिन सूर्योदय के बाद 21 नींबुओं की माला अपने हाथों में काले धागे में बांधकर बना माँ काली के मंदिर में चढ़ा दे। माला चढ़ाने के बाद माँ काली को लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ काली शीघ्र प्रसन्न होकर आपकी कामना पूर्ण करेंगी। चौथा है, धार्मिक मान्यता ये है कि माँ काली को गुड़ बहुत प्रिय है, इसलिए माता को गुड़ का भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद उस गुड़ का प्रसाद गरीबों में बांट दें। ऐसा करने से माँ काली धन संबंधित सभी परेशानियां दूर कर देंगी। अगला उपाय है कि यदि आप शत्रुओं को मित्र बनाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन सुबह और शाम दोनों समय माँ काली के मंदिर में जाकर आटे का 2 मुंह वाला दीपक जलाएं। ज्योतिष के अनुसार बड़े से बड़ा शत्रु भी सहयोगी और मित्र बन जाएगा। तो ये तो थे माता काली को शीघ्र प्रसन्न करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के कुछ उपाय। तो ऐसे ही भक्ति से भरपूर और अनोखे वीडियोस के लिए, जहां हम पूजा विधि माँ के बारे में और देवी देवताओं के उनके कथाओं के बारे में तथा मंत्रों के बारे में ऐसे ही खूबसूरत वीडियोस लाते रहते हैं, तो जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल हमारा सब्सक्राइब जरूर करें। माता रानी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। जय माता रानी, जय माता रानी, जय माता।